हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये है इसका पार्ट वन। हमारी टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के ऊपर लेक्चर पहले ही बना दिए हैं और अब है बारी कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है is, am, are plus verb plus ing। इसकी हिंदी होती है कर रहा हूँ। कोई काम अगर अभी चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है इसके अंदर कि सबसे पहले हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। तो पहला यूज है वर्क गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि काम तब चल रहा है जब आप बोल रहे हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और कोई काम अगर अभी मेरे आंखों के सामने लगातार चल रहा है तो मैं उसको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाऊंगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि वो गिटार बजा रही है तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज़ प्लेइंग गिटार, वह गिटार बजा रही है। दूसरा यूज़ है दीज डेज, यानी आजकल। अगर वो काम अभी इस पल में नहीं भी हो रहा है पर आजकल हो रहा है तो भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताते हैं। जैसे मैं आजकल भागवत पढ़ रहा हूं, तो मैं कैसे कहूँगा, आई एम रीडिंग भागवत दीज डेज। या फिर ये भी हो सकता है कि वो काम आजकल चल रहा है या वो काम चल रहा है पर उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे कि भारत तरक्की कर रहा है पर आप देख थोड़ी सकते हो सामने की तरक्की कर रहा है, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। इंडिया इज़ डेवलपिंग डे बाय डे, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं भारत तरक्की कर रहा है। अगला यूज़ है नियरेस्ट फ्यूचर, अगर कोई काम बस अभी होने ही वाला है तब भी उसको कई बार हम कंटिन्यूअस में बताते हैं। जैसे मैं कल उदयपुर जा रहा हूँ। देखो हिंदी भी हमारी क्या चल रही है, जा रहा हूँ, तो मैं कल उदयपुर जाऊँगा, इसको आप फ्यूचर सिंपल में भी बना सकते हो। और मैं कल उदयपुर जा रहा हूँ, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हो, आई एम गोइंग टू उदयपुर टुमारो। अगला यूज़ है इंटेंशन या लाइकलीहुड। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा और लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना। मैं एक नई कार खरीदने वाला हूँ, ऐसा मेरा इरादा है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश आने वाली है, ऐसी संभावना दिख रही है, काले बादल हैं, बारिश होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू रेन। अगला है कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई चीज़ लगातार बढ़ रही है या घट रही है तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है, माय हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, घट रही है, तो इसको भी कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं। आइए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब कब आएगा, कोई काम अगर अभी चल रहा है, आजकल चल रहा है दिख नहीं रहा पर चल रहा है, कोई काम नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है, आप अपना इरादा बताते हैं, संभावना बताते हैं, और कोई चीज़ लगातार बढ़ रही है या घट रही है, इन सभी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। आखिर स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको सिर्फ रूल समझने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बोलना पड़ेगा। जैसे मैं उठ रहा हूँ, आई एम वेकिंग अप, आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने दांत ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपना चेहरा धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई फेस, मैं सुबह की सैर के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं स्नान ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ या आई एम हैविंग बाथ। यहाँ पे बाथ शब्द नाउन है, अगर वर्ब को यूज़ में लेंगे तो बोलेंगे आई एम बेथिंग, क्योंकि बी ए टी एच ई एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है नहाना और वो एक वर्ब है। मैं अपने बालों को शैम्पू कर रहा हूँ, आई एम शैम्पूइंग माय हेयर, मैं अपने बालों को तौलिए से पोंछ रहा हूँ, आई एम टॉवलिंग माय हेयर, मैं अपने बालों में तेल लगा रहा हूँ, आई एम ऑयलिंग माय हेयर, मैं
अपने बालों में कंघी कर रहा हूँ। आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। आप भी साथ साथ बोलिए, मैं अपने चप्पल पहन रहा हूँ। अब चप्पल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, और पहनने को बोलते हैं वियर। तो मैं अपने चप्पल पहन रहा हूँ, आई एम वियरिंग माई फ्लिप फ्लॉप्स। और मैं चश्मा पहन रहा हूँ, आई एम वियरिंग माई ग्लासेस। मैं अपनी टाई बांध रहा हूँ, आई एम टाइंग माई टाई। वह चाय बना रही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग टी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग टू गॉड। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आई एम वर्शिपिंग टू गॉड। गॉड का बहुत अच्छा फुल फॉर्म मुझे किसी ने बताया था एक बार, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, GOD। जनरेटर यानी उत्पन्न करने वाला, ऑपरेटर यानी चलाने वाला, और डिस्ट्रक्टर यानी विनाश करने वाला। मैं नाश्ता ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, और आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का भी एक फुल फॉर्म मुझे किसी ने बताया था कि फुल फॉर्म तो नहीं पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेक और फास्ट। फास्ट यानी व्रत या उपवास। जब आप पूरी रात के उपवास को सुबह ब्रेक करते हो तो उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग न्यूज़। ठीक है, साथ साथ बोलते रहना। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम रनिंग लेट भी बोल सकते हैं। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। वह बस का इंतज़ार कर रही है, शी इज़ वेटिंग फॉर द बस। वो मेरी ओर देखकर हाथ हिला रही है, हेलो कर रही है, शी इज़ वेविंग एट मी। अब कुछ और वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे दी है, जैसे घूरने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर करना या गेज करना। तो शी इज़ स्टेयरिंग, शी इज़ गेजिंग, मतलब वह घूर रही है। रोने को इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग, धीरे धीरे रोने को बोलते हैं वीपिंग। सिसक सिसक के, सुबक सुबक के रोना, आवाज़ करके रोना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉबिंग या वेलिंग। वह मुस्कुरा रही है, शी इज़ स्माइलिंग। वह ठहाके लगा रहा है, ही इज़ गफाइंग, GUFFAWING। ठीक है, तो वोकैबुलरी ही सब कुछ है। आप जितने ज़्यादा मीनिंग्स याद करोगे उतनी बढ़िया इंग्लिश बोल पाओगे। वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। इसके अलावा एक वर्ड होता है गीगल और चकल। गीगलिंग और चकलिंग का मतलब होता है दबी हुई हंसी, जैसे छोटे बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसते हैं ना, एक हल्की सी आवाज निकलती है हंसी की, उसको गीगलिंग और चकलिंग बोलते हैं। मॉक ऑन और मेक फन, इनका मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना। तो मॉकिंग ऑन, मेकिंग फन, शी इज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरी मजाक उड़ा रही है। फिर कुछ और शब्द हैं जैसे ब्लश और शाय, इनका अर्थ होता है शर्माना, ब्लश करना या शाय करना। मैं मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं कार की सवारी कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। मोटरसाइकिल पे जो व्यक्ति पीछे बैठता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिलियन, PILLION। मैं इंग्लिश में PhD कर रहा हूँ, आई एम डूइंग या परस्यूइंग PhD इन इंग्लिश। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं अपना पाठ रट रहा हूँ, आई एम मगिंग अप या आई एम क्रैमिंग माई लेसन। रटने को इंग्लिश में रोटे भी कहते हैं, ROTE। मैं अपनी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग क्लास। मैं कक्षा को बंक ऑफ कर रहा हूँ, मतलब छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है। दुखने को बोलते हैं एक, ACHE, और जब उसमें ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा,
आईएनजी हो जाएगा, हैकिंग। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं वापस मेरे घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक टू माई होम। आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहें। मैं फल खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग फ्रूट्स। मैं घंटी बजा रहा हूँ, आई एम रिंगिंग द बेल। मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, आई एम नॉकिंग द डोर। मेरी मम्मी दरवाज़ा खोल रही है, माई मॉम इज़ ओपनिंग द डोर। मेरी बड़ी बहन आटा गूंद रही है, माई एल्डर सिस्टर इज़ नीडिंग द फ्लोर। अब जो पाउडर वाला आटा होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, पर जो गूंथा हुआ आटा होता है उसको हम डो बोलते हैं, डी ओ यू जी एच, डो। आटे का जो पीपा होता है जिसमें आटा रखते हैं उसे कैग्स कहते हैं, और बेलन को इंग्लिश में रोलर पिन कहा जाता है। मेरी छोटी बहन शिकंजी बना रही है, माई यंगर सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग लेमनेड। मैं चिंकी को मैसेज कर रहा हूँ, आई एम टेक्स्टिंग टू चिंकी। मेरी बहन मुझे तंग कर रही है, माई सिस्टर इज़ टीजिंग, एनॉइंग, बॉदरिंग, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग मी। किसी को टीज करना, एनॉय करना, बॉदर करना, इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, मतलब उसे परेशान करना। मेरा कज़िन अपना समय व्यतीत कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम को किल कर रहा है। किल का मतलब मारना भी होता है किसी को, और टाइम के लिए भी ये काम में आता है, समय गुजारने के लिए। मेरा नेफ्यू या मेरी नीस, मतलब भांजा या भांजी, भतीजा या भतीजी, एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, दीवार पर चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब। नेक्स्ट है, उसके पापा उसे डांट रहे हैं। अब डांटने और गाली देने के लिए सेम वर्ड यूज में आते हैं, अब्यूज, स्कोल्ड, रिब्यूक, तीनों का मतलब होता है गाली देना या डांटना। वह बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वो रिएक्ट कर रहा है, ही इज़ ओवर रिएक्टिंग। वह माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांगने को बोलते हैं अपोलोजाइज, ही इज़ अपोलोजाइजिंग। मैं उसे बचा रहा हूँ, आई एम डिफेंडिंग हिम। किसी को डिफेंड करना मतलब उसको बचाना। मेरी पड़ोसन चिंकी पतंग उड़ा रही है, माई नेबर चिंकी इज़ फ्लाइंग अ काइट। लाल सूट उस पर बड़ा जंच रहा है, बड़ा फब रहा है, खिल रहा है। रेड सूट इज़ फ्लैटरिंग ऑन हर, फ्लैटर करना मतलब अच्छा लगना। वह मेरे होश उड़ा रही है, शी इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी, शी इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। मैं उसे पुकार रहा हूँ, I am calling her. वह मेरा आदेश मानने से मना कर रही है, She is defying my order. चिंकी मुझे धोखा दे रही है। किसी को धोखा देने के लिए शब्द आते हैं betray या deceive। वैसे धोखेबाज को इंग्लिश में कहते हैं imposter। कोई अगर कहता है you are an imposter, मतलब तुम धोखेबाज हो। आजकल वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है, दीज डेज शी इज इग्नोरिंग मी। अब कुछ और सेंटेंस हम बनाते हैं। वह बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। अब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जेजरेट या ओवरस्टेट। बोस्ट और ब्रैग करने का मतलब होता है डींगे मारना, लंबी चौड़ी हांकना, लंबी लंबी फेंकना, तो बोस्टिंग और ब्रैगिंग। मैं अपने गुस्से पर से कंट्रोल खो रहा हूँ, मैं अपना आपा खो रहा हूँ, आई एम लूजिंग टेम्पर। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं। सिनाइल मतलब सठिया जाना, बुढ़ापा, हावी हो जाना। ब्लाइंड यानी मैं अंधा हो रहा हूँ, धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है आँखों की। मैं बहरा हो रहा हूँ इस शोर से। इन सब के लिए आपको वोकैबुलरी मैंने दी है। मैं एक ड्राइव के लिए जा रहा हूँ।
मैं तैरने जा रहा हूँ, मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. चिंकी बैडमिंटन खेल रही है. चिंकी इज़ प्लेइंग बैडमिंटन. चिंकी मुझे चैलेंज कर रही है. चिंकी इज़ चैलेंजिंग मी. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और जल्दी मैं हाजिर हूँगा पार्ट टू के साथ. हमारे साथ जुड़े रहें. यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप घर बैठ के इंग्लिश सीख सकें. थैंक यू सो मच. जल्दी फिर मिलेंगे. आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें.